MBA can be the first step towards your dream job. और उस dream job को पाने के लिए जरूरी है एक अच्छा college और campus selection. Everyone knows about CAT examination to get admission in India's best colleges for management. उसी तरह है ZAT, XAT. जी हाँ, Xavier Aptitude Test. इंडिया के toughest exams में से एक है और जो हर साल XLRI जमशेदपुर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करवाता है, जिसमें हर साल देश के लगभग 1,00,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और जिसे क्रैक करके आप भारत के बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेजेस में MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपने ZAT एग्जाम देने का मन बना लिया है तो इसके लिए जरूरी है Xavier Aptitude Test के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना। आखिर क्या है ZAT, कौन और कब ऑर्गेनाइज कराता है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, प्रिपरेशन टिप्स और ना जाने कितने ही सवाल जो आपके दिमाग में इस समय होंगे। इस वीडियो में हम आपको ZAT से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। हाय गाइस, आई एम CSCSCM में निखिल गुप्ता एंड आज मैं आपको ZAT एग्जाम से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और चर्चा करूंगा ZAT एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, सिलेबस, मार्किंग स्कीम और वो तमाम कंफ्यूजिंग चीजों के बारे में, उन सवालों के बारे में जिनके जवाब आप हमेशा जानना चाहते हैं। इस सब के साथ मैं बात करूंगा एग्जाम के वक्त टाइम मैनेजमेंट की, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, इन सब चीजों की जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो ZAT एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके, सो टू बी एबल टू अपियर फॉर द एग्जामिनेशन इट इज मैंडेटरी टू फुलफिल द ZAT एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच आर कैंडिडेट्स मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री ऑफ मिनिमम 3 years ड्यूरेशन और इक्विवेलेंट इन अ डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स इन देयर फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन और दोज हु आर वेटिंग देयर रिजल्ट्स दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। और सबसे खास बात यह है कि देर इज नो मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया फॉर ZAT एग्जामिनेशन विच मीन्स देर इज नो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्राइटेरिया टू अपियर इन द ZAT एग्जामिनेशन। अगर सवाल एग्जाम अपियर करने की एज को लेकर है तो लेट मी टेल यू गाइज देर इज नो अपर एज लिमिट फॉर अपियरिंग इन ZAT एग्जामिनेशन। और अब सवाल उठता है सर ये एग्जाम कब होता है, साल में कितनी बार होता है एंड व्हाट अबाउट द एग्जाम फीस एटसेट्रा। सो ये एग्जाम कैट की ही तरह साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है, जनरली इन द मंथ ऑफ जनवरी। द एग्जाम फीस इज अबाउट $1,800। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर एवरी स्टूडेंट इज द पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ ZAT। आखिर न्यू पैटर्न क्या होगा, सिलेबस में कितने सेक्शंस, कितने सब्जेक्ट्स, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, मैनेजमेंट कैसे होगी पूरे सिलेबस की। सो नाउ आई विल रिजॉल्व योर एवरी कंसर्न रिगार्डिंग द सेम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। ZAT एग्जाम इज कंडक्टेड इन एन ऑनलाइन मोड एंड द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 MCQs जिसे सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 190 मिनट्स विच मीन्स 3 hours and 10 minutes। 2022 से पहले एग्जाम ड्यूरेशन सिर्फ 3 घंटे का होता था बट 2022 के बाद ऑर्गेनाइजर्स इंक्रीज्ड द टाइम बाय 10 minutes। रिगार्डिंग मार्किंग ईच करेक्ट अटेम्प्ट कैरीज 1 mark एंड ईच इनकरेक्ट अटेम्प्ट कैरीज नेगेटिव 0.25 marks। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। सो ZAT एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 5 sections: डिसीजन मेकिंग, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी विच इज नोन एज DIQA, जनरल नॉलेज विच इज GK, essay। सिलेबस के सेक्शंस को देखते हुए लगता है दैट एग्जाम इज डिजाइन टू एक्सेस द कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी इन रीजनिंग, डेटा एनालिटिक्स, इंटरप्रिटेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपके अंदर होनी चाहिए या आपको डेवलप करनी पड़ेगी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी मेनली फोकसेस ऑन अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा एटसेट्रा एंड डेटा इंटरप्रिटेशन refers to the analytics and calculation of data. If we talk about verbal and logical ability, then that includes critical reasoning and, you know, inference-based questions, reading comprehensions, sentence construction, etc., etc. Decision-making section examines your mental ability to decide on any fact, any ethical dilemmas, and other situation-based questions. Decision-making section, ZAT exam mein, काफी नया subject है, जो कि जनरली और एग्जाम्स के सिलेबस में
कम ही इंक्लूड किया जाता है। जीके सेक्शन जो आपकी जनरल नॉलेज को टेस्ट करेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करेगा कि आप अपने आसपास की घटनाओं को किस तरह से कोरिलेट कर पाते हैं। यू कैन प्रिपेयर फॉर जनरल नॉलेज बाय रीडिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, कल्चर, सोसाइटी, पर्सनालिटीज, बिजनेस, आर्ट, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, इन्वेंशंस, इनोवेशंस, वर्ल्ड इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे टॉपिक्स में मोस्टली जनरल और एब्स्ट्रैक्ट नेचर के क्वेश्चंस आते हैं। दीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन लेटेस्ट इश्यूज एंड करंट इवेंट्स। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर 100 क्वेश्चंस का के जो ये सेक्शंस हैं, इसमें हर सेक्शन की वेटेज क्या है? जाहिर सी बात है ये सवाल आपके दिमाग में डेफिनेटली होगा। सो लेट मी टेल यू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस एंड मार्किंग स्कीम्स फॉर दैट एग्जामिनेशन। सो डिसीजन मेकिंग इज अबाउट 21 आउट ऑफ 100। वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी अबाउट 26 क्वेश्चंस। डेटा इंटरप्रिटेशन क्वांटिटेटिव एबिलिटी अबाउट 28 क्वेश्चंस। जीके अबाउट 25 क्वेश्चंस। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ईच करेक्ट आंसर विल कैरी 1 मार्क एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैट पैटर्न में देर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर जीके सेक्शन, बट अगर नेगेटिव मार्किंग के डर से इफ यू आर लीविंग मोर देन 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, देन 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर दैट आल्सो। तो आपको पेपर सॉल्व करते समय इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप 8 से ज्यादा क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड अगर छोड़ रहे हैं तो उस पर भी मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके। तो अब बात करते हैं कट ऑफ्स की। So generally, ZAT participating institutes release admission cutoffs to the shortlisted candidates for GD and PI after the ZAT results declaration. Within same month, ये हो जाता है. And its highest cutoff for PGDM and MBA program are usually 95 percentile for male candidates and about 92 percentile for female candidates. And the minimum falls up to maximum of 85 to 90 percentile. And now, the most important and interesting question is, sir, college kaun sa choose kare? Like, which one are the best institutes for that? What is the ranking of those colleges? Well, then let me tell you that there are around roughly about 700 odd colleges in India which accept ZAT scores. But definitely, you want the best one for yourself. And those are XLRI Jamshedpur, Xavier Labor Relation Institute, Xavier Institute of Management, Bhuvaneshwar, Xavier Institute of Management and Entrepreneurship, Bangalore and Chennai, Loyola Institute of Business Administration, Chennai, Xavier Institute of Social Services, Ranchi, Xavier Institute of Management and Research, Mumbai. And yes, there are many more reputed colleges which are there in the list. अब आपको एक broad idea लग गया होगा, ठीक है? ZAT exam के बारे में, ZAT क्या है, कैसे है, कब, कितना परसेंटाइल, एवरीथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रिपरेशन कैसे करें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, और मार्किंग स्कीम देखकर समझ आ ही गया होगा कि फॉर श्योर इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन विच इज देयर इन द कंट्री। सो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप एग्जाम पैटर्न से फेमिलियराइज हो जाएं और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आप हड़बड़ाएं ना। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा एंड आप इत्मीनान से पेपर दे पाएंगे। सो द की इज टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर्स एंड पास एग्जामिनेशन पेपर्स थॉरली। मार्किंग स्कीम और सिलेबस देखकर स्ट्रेस में आना स्वाभाविक है। इफ द प्लानिंग ऑफ योर प्रिपरेशन इज परफेक्ट एंड यू आर फोकस्ड, देन बिलीव मी, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स एंड यू कैन गेट एडमिशन इन द बेस्ट कॉलेज ऑफ ZAT। सो आइडियली you need to have about 6 to 9 months for your entire exam preparation with full dedication and effort. And let me tell you guys, wo kehte hai na, lagan se continuously kaam karne par patthar pe bhi nishan pad jata hai. So ye to sirf ek exam hai, go for it. In that, it is important to pay equal attention to all the 4 sections, and the sectional cutoffs play an important role in the college selection, right? Like XLRI Jamshedpur. And if you are aiming for XLRI, then add a few extra hours in your studies, extra efforts in your study plan. इसके लिए आप अपने study hours को sections and marks के according divide कर सकते हैं. And remember friends, practice and continuity is the key.
और घबराने से कुछ नहीं होगा, घबराना नहीं है, मेहनत करनी है, जीते उड़। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड स्टडी मोर। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब इट इमीडिएटली एंड डू हिट दैट लाइक बटन।